व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। 4 बज गए, 1 घंटा मैं सोया, लेकिन अभी भी नींद इतनी जोर से आ रही है कि पूछो नहीं। मतलब बहुत थकान है। अभी जा रहे हैं रथ खींचने, रथ आई थिंक चल चुका हो। आज देखिए बीच पे सन्नाटा है, सारे लोग रथ यात्रा पे गए हैं और कल ये बीच इतना भरा हुआ था पूछो नहीं, आज बीच खाली है। वो देखिए वो कोस्ट गार्ड की शिप्स है, ये वाली, ये यहाँ पे कोस्ट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे। टाइम हो रहा है अभी 4:25, रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, आधे घंटे पहले ही शुरू हुई है। पहले बलभद्र जी का जाएगा जो निकल चुका है, फिर सुभद्रा जी का, लास्ट में जगन्नाथ जी का जाएगा। हम बच्चों ने अपना छोटा सा रथ बनाया, देखो। तो यात्रा शुरू हो चुकी है और भीड़ देखिए भाई, ये आ रहा है लाइव, भीड़ देखो। तो हम तैयार होकर निकल गए भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको एक कहानी बताना बहुत जरूरी है। जब भगवान कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया था, तो उनके शरीर को जब अग्नि दी गई थी, तो ऐसा मानते हैं कि उनका पूरा शरीर तो जल गया था, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल अग्नि में जल नहीं पाया था। तो उनके हृदय को एक लकड़ी के तख्ते के साथ बांध के समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, और वही लकड़ी का तख्ता तैरते तैरते भारत के दूसरे कोने पुरी के तट पर जा मिला। वहीं एक राजा हुआ करते थे, राजा विद्यापति, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और वो नील महादेव की खोज में थे। उनके सपने में भगवान विष्णु स्वयं आए और उन्हें बोला कि पुरी के तट पे एक लकड़ी का तख्ता होगा और हे राजन, तुम उस लकड़ी के तख्ते से मेरी मूर्ति का निर्माण कार्य आरंभ करो। फिर एक बूढ़े का रूप धारण करके विश्वकर्मा जी आए और राजन से कहा कि उन्हें 21 दिन का समय चाहिए उस लकड़ी के तख्ते से मूर्ति बनाने के लिए। उस कक्ष से सिर्फ हथौड़ी, छेने और लकड़ी की ठक ठक की आवाज ही आती थी। 15 दिन के बाद जब रानी गुंडीचा उस कमरे के पास गई, तो उन्हें कोई आवाज़ वहां से नहीं आई। उन्हें डर था कि कहीं वो शिल्पीकार भूख प्यास के कारण मर ना गया हो, और उन्होंने राजा से कहा कि वो उस कक्ष का द्वार खोल के वो शिल्पीकार की हालचाल लें। जैसे ही राजा ने वो दरवाज़ा खोला, शिल्पीकार वहां से गायब हो गया। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र जी की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गईं, जो कि बिना हाथ और पैर के थी। इसीलिए आज भी हमें मंदिर में जो मूर्तियां दिखती हैं वो अधूरी ही हैं। और ये भी मानते हैं कि जो श्री कृष्ण का हृदय था, वो आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर है, जो जीते जागते हमारे मंदिर में विराजमान है। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं भगवान का रथ खींचने। समय हो गया अभी 5:30, हम लोग आ चुके हैं उस जगह जहाँ से रथ यात्रा निकलेगी, सामने से निकलेगी। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सब रथ यात्रा देखने आए हैं। भीड़ देखो यहाँ पर भाई साहब, तो रथ उस तरफ से आएगा और यहाँ को जाएगा। सारे लोग छतों पे आ चुके हैं रथ यात्रा देखने के लिए। एक भी छत आपको आज के दिन खाली नहीं मिलेगी यहाँ पे। रथ तो भी देखने रहा काफ़ी दूर है, बट रथ बोल रहे यहाँ पे आके रुकेगा। यह है सालबेग का मंदिर की भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगा। मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदूज का जाना अलाउड है, लेकिन भगवान बोलते हैं मेरे जो भक्त हैं, जब मैं बाहर आता हूँ तो सबको दर्शन दूंगा। तो सालबेग की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये छोटा सा रथ बनाया हुआ है। हाँ देखो, रथ दिखना चालू हो गया। यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम है, एम्बुलेंस आने जाने का, फायर सर्विसेज का। ये सुभद्रा जी का रथ है, आप भीड़ देखिए भैया, एक बार रस्सी का हाथ लगा देना भैया।
भी एक बार रस्सी छू ली हमने। सड़क पे नीचे देखेंगे कितने लोगों की चप्पल जो है छूट गई यहाँ पे, कितनी चप्पलें छूटी हुई है, हम तो नंगे पाव आए। पूरी में आज के दिन माहौल ऐसा था कि रथ खींचने के बाद या सिर्फ रस्सी का स्पर्श होने के बाद लोगों के चेहरे पे ऐसे भाव थे, ऐसा सुकून था, ऐसी खुशी थी जो कि आप सिर्फ वहाँ होकर ही महसूस कर सकते हैं। भारत के कोने कोने से वहाँ लोग आए हुए थे अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए। आज के दिन आपको यहाँ पे एक भी घर की छत खाली नहीं मिलेगी, सब लोग छत पे थे और सबकी निगाहें रथ पे विराजमान अपने प्रभु की ओर। रथ की रस्सी खींचना बहुत ही मुश्किल था, सौभाग्य से माँ सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र जी की रस्सी में छू भर ली थी और अपने आप को तृप्त मान रहा था। अब समय था जगन्नाथ जी की रस्सी को छूने का। बोलते हैं कि उनकी रस्सी में जो भीड़ होती है वो डबल से भी ज्यादा भीड़ होती है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभु जगन्नाथ के रथ के पास। बहुत ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। टच करने के लिए भगवान की कृपा से आप अभी मत जाइए। बाप रे, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बाप रे क्या हो गया, अरे भैया क्या हो गया, फिल्म नहीं करोगे फोन मिल जाएगा। लोगों ने मुझसे पहले कहते थे कि भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी बस आप टच कर लीजिए, रथ को खींचना बहुत दूर की बात है, सिर्फ टच कर लीजिए, सिर्फ टच कर लीजिए, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। फाइनली हमने रस्सी पकड़ ली है जगन्नाथ भगवान की, भगवान का आशीर्वाद ही है ये। भीड़ देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। आखिरकार हमने अपने भगवान के रथ की रस्सी पकड़ ली, इतना अच्छा लगा मुझे। काफी देर तक मैं पकड़े रहा लेकिन रथ चल नहीं रहा था और मैं रथ की रस्सी छोड़ने वाला था। जैसे ही मैं रस्सी छोड़ने वाला था एकदम से चमत्कार हुआ और भगवान चल पड़े। किस्मत वाले होते हैं जो ये रस्सी को पकड़ पाते हैं। ये देखिए रस्सी, देखिए दिख भी नहीं रही, इतने लोगों ने पकड़ा हुआ। ये देखिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भगवान के दर्शन कहते हैं जिसने रथ पे प्रभु के दर्शन कर लिए वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। चल गया रथ, चल गया, जय जगन्नाथ। और सब में इतनी ऊर्जा आ गई और सब लोग खींचने लगे, मैं भी चिल्लाने लगा खींचो अपने भगवान के रथ को खींचो। और फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। ये भगवान का आशीर्वाद ही था कि मैं उनके रथ को थोड़ा सा चला पाया। बताओ तो मन से इतना अच्छा लग रहा है कि अपने प्रभु का रथ खींचा और उनको गुंडीचा मंदिर की ओर थोड़ा सा लेके गए, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे पाप धुल गए। एक मैंने कुंभ के मेले में भीड़ देखी थी और एक यहाँ भीड़ देखी है। सबसे बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे जो फर्स्ट एड के इंतजाम है, इमरजेंसी इंतजाम है, एक एम्बुलेंस मैंने रुकती भी नहीं देखी। हमें घर पे जाना, हम घर पे नहीं जा पा रहे, बताइए इतनी भीड़ है, छतों पे लोगों की भीड़ देखी है इतनी सारी। Yeah.
ये प्रसाद की लाइन लगी है पूरे रास्ते में, जगह जगह ऐसा प्रसाद मिलता रहता है भक्तजनों के लिए। यात्रा के दर्शन हो गए, अब पीएंगे गर्मा गर्म चाय। सुबह से चाय नहीं मिलती, दिमाग काम नहीं कर रहा, चाय बिस्किट। पूरी मार्केट में गजब चहल पहल है, रात भर चलेगी मार्केट का ये। बैक टू आवर रूम, इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं समाप्त। थैंक यू देखने के लिए व्लॉग, अपना प्यार देने के लिए। भगवान जगन्नाथ की ब्लेसिंग आप सबके ऊपर। हजारों लाखों भक्त आते हैं, उनमें से हम भी एक थे, तो बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही प्यार मिला सब लोगों से पूरी में। पूरी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन पूरी के लोग आप बहुत लकी है कि भगवान ने आपके यहाँ पे कदम रखे। जय जगन्नाथ, आपसे कल मिलेंगे।